Imagine a scenario where you are sitting in front of interviewers and along with you there are five other candidates. Now all of you are having 19, 19, 19 in your 10th, 12th and graduation. What is that one thing that is going to differentiate you out from other candidates? Definitely it's your soft skill. पांच ऐसे सॉफ्ट स्किल्स जिस पे आपको फोकस करना ही करना चाहिए. इनफैक्ट आई विल नॉट से कि यू शुड फोकस ऑन दीज टॉप फाइव स्किल्स, आई विल से यू मस्ट फोकस ऑन दीज फाइव स्किल्स. बिकॉज होता क्या है कि जब आप MBA कॉलेज में चले जाओगे वहाँ पे इंटेंस कंपटीशन होगा, स्पेशली टीयर वन टीयर टू कॉलेजेस की बात करो, वहाँ जो कंपटीशन होता है काफ़ी इंटेंस होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ़ आपने कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छा नहीं किया, अपना प्रेजेंटेशन स्किल इम्प्रूव नहीं किया, तो फिर रिजेक्शन आना स्टार्ट होंगे इंटरव्यूज के टाइम पे एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड. सो मेक श्योर करना है कि अकैट्स के साथ आपको ये पांच स्किल सेट भी इंप्रूव करने हैं. नंबर वन है CV मेकिंग एंड इंटरव्यू स्किल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके थ्रू आउट टू ईयर्स जर्नी में. मैं बता देता हूँ कैसे. लेट्स से कि आप समर इंटर्नशिप के लिए बैठोगे या फाइनल प्लेसमेंट के लिए बैठते हो, तो सबसे पहला चीज़ जब कंपनी आपको हायर करने के लिए आएगी वो देखेगी आपका रिज्यूमे. एंड रिज्यूमे अगर आपका बहुत अच्छे से आपने उसको नहीं वेल डिफाइंड वे में नहीं लिखा है जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, तो फिर आपका रिज्यूमे ही रिजेक्ट हो जाएगा, फाइनल इंटरव्यू राउंड तक नहीं पहुंच पाओगे. तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका रिज्यूमे बहुत ही अच्छा स्ट्रांग बना हो, और स्ट्रांग बनाने के लिए आपको कोर्सेज इंटर्नशिप वगैरह करना पड़ेगा थ्रू आउट द ईयर्स जो भी आपका MBA का टाइम होता है उस टाइम पे, और उसको फिर आपको नोट डाउन करना है अच्छे से सो दैट आपका रिज्यूमे एक स्ट्रांग रिज्यूमे बने. सेकेंड वन इज़ इंटरव्यू स्किल. बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं होता धक्का कब लगता है, मैं बता दे रहा हूँ. आप फर्स्ट ट्रेमेस्टर में होंगे, सेकेंड में होंगे, जैसे ही थर्ड आएगा और आपकी इंटर्नशिप वगैरह चालू होगी वहाँ पे इंटरव्यू बैक टू बैक होना स्टार्ट होंगे. एंड बिकॉज नाउ आपको आइडिया बिल्कुल नहीं है कि इंटरव्यू कैसे हैंडल करना है, मुझे कितना बोलना है, क्या बोलना है, बोलना भी है या नहीं बोलना, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है देन होगी दिक्कत, आपके रिजेक्शंस आना स्टार्ट होंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे. सो मेक श्योर करना है कि रिज्यूमे तो स्ट्रांग बनाना ही बनाना है, साथ ही साथ आपको इंटरव्यूज़ में क्या क्वेश्चन के कैसे आंसर करने हैं, कौन से इंटरव्यू में कितना बोलना है, अगर प्रोडक्ट का इंटरव्यू चल रहा है तो मुझे क्या बोलना है, अगर सेल्स एंड मार्केटिंग का इंटरव्यू है तो मुझे क्या बोलना है, वो सारा शिफ्ट आपको करना पड़ेगा माइंडसेट वाइज. सेकेंड वन इज़ प्रेजेंटेशन मेकिंग. अब मैं बहुत बेसिक में जाकर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी लोग MBA में होते हैं ऐसा नहीं है कि उनको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनाना आता है. MBA कर लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको PPT अब मैं आप महारत हासिल कर लोगे, बट देन जब आप MBA कंप्लीट कर लेते हो आप देखोगे कि आपके जो भी जॉब प्रोफाइल है उसमें PPT एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा. सो अगर आपको एक बहुत अच्छा PPT बनाना आता है, ऐसा नहीं कि आप डेड PPT बना रहे हो किसी को पसंद नहीं आ रहा है, ट्राई करो कि आप PPT बनाना सीखो, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना सीखो. एंड जब PPT बन जाए तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके सामने ये होगा कि आप जो भी चीज़ें जो भी इंसाइट आपने उस PPT में लिखा है उसको कम्युनिकेट करना, राइट, वो भी एक बहुत अच्छा स्किल होता है. लेट्स से कि मैंने एक PPT बना दिया है, ठीक है, PPT बहुत अच्छा है, इन्फोग्राफिक से भरा हुआ है, बट मैं उसको बता नहीं पा रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो किसी के काम का नहीं है. जो भी लोग आपके सामने बैठ के उस PPT को सुनना चाहते होंगे उनको आपने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया तो उस PPT का कोई महत्व नहीं रह जाता है. तो दो चीज़ यहाँ पर अटैच्ड है, फर्स्ट कि प्रेजेंटेशन बनाना एंड देन उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना. तो ये चीज़ पे आपको इम्प्रूवमेंट करनी है और ये आपको कोई नहीं सिखाता है, ये आपको खुद सीखना पड़ेगा. इसलिए आप एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि MBA कॉलेज में यू विल फाइंड कि बहुत सारे प्रेजेंटेशन बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक हो रहे होंगे. एंड उसका मेजर रीज़न यही है कि जब आप जॉब में उतरते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो, वहाँ पे आपके जो भी इंसाइट्स है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, उसको प्रेजेंटेशन के थ्रू आप प्रेजेंट करते हो. थर्ड वन इज़ एक्सेल. माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्सेल है, वैसे तो बहुत सारे गूगल सीट वगैरह भी है, बट मेक श्योर करना कि आपको एक्सेल का बेसिक आइडिया हो ही हो. इसका रीज़न ये है कि अगर मान लो आप कभी कोई फाइनेंस के रोल में और मार्केटिंग के भी रोल में, मार्केटिंग वाले भी एक्सपेंस कर रहे होते हैं, राइट, उनका जो मार्केटिंग कैंपेन वगैरह चल रहा होता है वो कंपनी के जो पैसे होते हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं, उनको मेंटेन करना होता है वो चीज़. मैं बहुत बेसिक में समझा रहा हूँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो एक्सेल पे करते हैं मार्केटिंग वाले भी, ऑपरेशंस वाले भी, HRs भी, एंड आपके जो फाइनेंस वाले उनका तो रोजी रोटी है एक्सेल सी. सो मेक श्योर करना कि आपको एक्सेल का बेसिक आइडिया तो हो ही हो एंड थोड़ा सा डोमेन से अटैच्ड कर लिया आपने तो वेल एंड गुड. से फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस में जा रहे हो, ठीक है, फाइनेंस में कौन कौन से सबसे ज़्यादा यूज़ हुए फॉर्मूलाज है या कौन कौन सी चीज़ें हैं एक्सेल में जो आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेल सीखना है. मार्केटिंग में सेम, मान लो आप एनालिस्ट बन जाते हो, मार्केटिंग एनालिस्ट, तो आपको कौन से मेट्रिक्स देखना है, उसको एक्सेल पे कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें आपका सीखना इंपॉर्टेंट हो जाता है. फोर्थ वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग.
और मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ अस आर नॉट प्रॉब्लम सॉल्वर इनिशियली. जब हम MBA में जाते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता है कि प्रॉब्लम कैसे कैसे आ सकते हैं, राइट. एंड प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है. सिर्फ फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस आया था, राइट. इंडियन गवर्नमेंट के पास सबसे पहला चैलेंज ये था कि हम वैक्सीन, जो वैक्सीनेशन है उसको कैसे सब तक पहुँचाए और कम टाइम में पहुँचाए. ना यू बीइंग अ स्ट्रैटेजिक मैनेजर लेट्स से, या फिर आप कंसल्टेंट हो जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हो, आपको वो आइडिया देना है उन्हें. सो नाउ दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू. आप वहाँ पे क्रिब नहीं कर सकते हो, रो नहीं सकते हो, यार मुझे नहीं पता है. आप अपना दिमाग यूज़ करके उसको सॉल्व करने वाले हो. सो यू नीड टू बी दैट प्रॉब्लम सॉल्वर. एंड प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, राइट. वो हो सकता है कि आपको एक कंपनी के मार्केटिंग कैंपेन के लिए आपके सामने वो प्रॉब्लम आ जाए कि मुझे मार्केटिंग कैंपेन इम्प्रूव करना है. या हो सकता है मर्जर एंड एक्विजिशन दो ऐसी कंपनी की हो रही है जिसका बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं है, मतलब उस कंपनी के फाइनेंशियल्स ख़राब हो रखे हैं, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग. तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपके सामने कुछ भी हो सकता है. अगर आप फाइनेंस में हो तो आपको फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम मिल जाएगा. एंड इफ़ यू आर इन मार्केटिंग तो मार्केटिंग रिलेटेड. ऑपरेशंस वालों को भी आता है लाइक प्रोसेस इंप्रूव करना है, लेकिन कोई आइडिया नहीं कि इसकी प्रोसेस कैसे इंप्रूव होगी. एंड यहाँ पे जस्ट टू मेंशन दिस थिंग कि जब आप प्रॉब्लम से डील करने वाले हो तो आपको थोड़ा बहुत अगर बैक स्टोरी में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है उसका आइडिया है तो आप प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाते हो. एंड देयर कम्स दिस केस स्टडी थिंग. अगर आप केस स्टडी पढ़ना सीख गए तो वहाँ से आप थोड़ा बहुत आइडिया आपके ब्रेन में ऑलवेज होगा. एंड उस आइडिया को यूज़ करके आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो सामने है आपके उसको सॉल्व कर पाते हो. एंड दैट इज़ वाई कि बी स्कूल फोकस करती है केस स्टडी लर्निंग पे, बिकॉज वहाँ से आप उस प्रॉब्लम को ऑलरेडी सीख लेते हो. एंड अगर फ्यूचर में कभी वो प्रॉब्लम आता है तो बिकॉज ऑफ ऑल दोज लर्निंग आप उसको सॉल्व कर पाते हो. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपको सीखना ही सीखना है. एंड नंबर फिफ्थ इज़ कम्युनिकेशन स्किल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट आप जितने भी MBA वालों को देखोगे उनका जो हथियार होता है यार वो कम्युनिकेशन स्किल होता है. मतलब दे आर गुड एट कम्युनिकेटिंग. अब इसको कन्फ्यूज मत हो जाना कि उनकी इंग्लिश फराटेदार होती है, फ्लुएंट होती है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर वो कोई से भी चीज़ को, लेट्स से वो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, राइट. आपने जब कैट का एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पे आप क्या किया, आपने RC पढ़ा, राइट. एंड उसको अंडरस्टैंड किया, जो भी कॉम्प्रिहेंड किया, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपने सोल्यूशन दिया. सो द पॉइंट इज़ कि आपने वहाँ पे सोल्यूशन दिया बेस्ड ऑन जो भी आपने सीखा है. सेम इज़ ट्रू विद कम्युनिकेशन, कि जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रहा है, आप जो अंडरस्टैंड कर रहे हो उसको कैसे दूसरों तक आप पहुंचा पा रहे हो, क्या सही तरीके से पहुंचा पा रहे हो. इफ़ यू आर डूइंग दैट देन योर कम्युनिकेशन इज़ परफेक्टली फाइन. से फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं. मैंने आपको 4-5 ऐसी चीज़ें बताई है अभी. अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया दैट मीन्स माई कम्युनिकेशन इज़ गुड, राइट. तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी इनसाइट्स है या जो भी आपने ऑब्जर्व किया है उसको आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है. अब या तो आप बिना प्रेजेंटेशन के कर सकते हो या प्रेजेंटेशन का भी यूज़ कर सकते हो. तो अगर ये सारी चीज़ें आपने सीख लिया देन इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. आप रेडी हो MBA के लिए. आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है यार तो मेक श्योर करो कि इस वीडियो को लाइक कर दो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलता चला जाए.